बिजनौर की स्वैट टीम और हलदौर पुलिस टीम ने एक हिस्ट्री शीटर समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का ट्रक बरामद किया है, जिसपे फर्जी नंबर प्लेट लगा दी गई थी। आरोपियों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ के बाद इन आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही पुलिस ने इनके पास से दो अवैध तमंचे, कुछ कारतूस और 5 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। आज रात्रि में स्वैट सर्विलांस और हलदौर पुलिस द्वारा एक मुठभेड़ हुआ 3 बदमाशों के साथ में, जिसमें 2 बदमाश पकड़े गए, गुलशन और प्रमोद नाम का अभियुक्त और एक मोबिन फरार हो गया। इनके कब्जे से 5 मोबाइल फोन, तमंचा, क्विड गाड़ी लाल रंग की बरामद हुई, जो काफ़ी दिनों से ये देखी जा रही थी। इसके पहले इस जनपद में नगीना से 1 ट्रक चोरी हुआ था और हलदौर से 1 ट्रक चोरी हुआ था। इनके पूछताछ के दौरान इनके कब्जे से 1 ट्रक जो नगीना से चोरी हुआ था वो बरामद किया गया है। मोबिन चूँकि फरार हो चुका है, उम्मीद है कि उसके कब्जे में होगा, उसकी बरामदगी शेष है। यह पहले से ही ज्ञात हो रहा था कि एक लाल रंग की क्विट गाड़ी कई दिनों से घूम रही है, जो वाहन चोरी की घटनाएं हो रही हैं इनके द्वारा कारित की जा रही है। अभी 1-2 दिन पहले चेकिंग के दौरान 112 के PRV वाहन में भी इन्होंने टक्कर मारी थी। आज पुलिस के साथ मुठभेड़ हुआ और ये अभियुक्त गिरफ्तार हुए। इसमें से गुलशन मुजफ्फरनगर के जांसठ थाने का हिस्ट्री शीटर है, जिस पर करीब 22 मुकदमे हैं कायम हैं, और प्रमोद जो जिसके खिलाफ 4 मुकदमे हैं, इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई होगी। 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत इनकी संपत्ति की कुर्की होगी। शेष अभियुक्तों की भी HS खोली जाएगी।